24 के खास कार्यक्रम जन कारवा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। हमारा खास कार्यक्रम जन कारवा लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ साथ जन जन को मतदान करने के प्रति प्रेरित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम लोकतंत्र का ध्वज लहराने आ गए हैं माँ माई राजराजेश्वरी की पावन नगरी शाजापुर में। शाजापुर को पूर्व में शाहजहांपुर के नाम से जाना जाता था। दरअसल शाहजहां के जमाने में वे एक रात यहाँ पर अपनी सेना के साथ निवास पर आए थे, जहाँ जिसके बाद किला भी बनाया गया था। उस किले के बनाने के बाद इस जगह का नाम शाहजहांपुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया था, लेकिन कुछ समय बाद शाहजहांपुर से इस जगह का नाम, इस जिले का नाम शाजापुर रख दिया गया। शाजापुर को प्याज और संतरों की खेती के लिए भी जाना जाता है। गौरतलब है कि शाजापुर अपने आप में इतिहास को संजोए रखने वाला एक ऐतिहासिक जिला है। तो इस ऐतिहासिक जिले में किस तरह से विकास कार्य किए जा रहे हैं, क्या सुविधाएं यहाँ के लोगों को दी जा रही है, क्या यहाँ के लोगों के पास व्यवसाय के उचित अवसर है, क्या यहाँ के लोगों के पास रोजगार के उचित अवसर है, क्या यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी अन्य मूलभूत सुविधाएं लोगों तक उचित रूप में पहुंच पा रही है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हम जन कारवा के माध्यम से आ चुके हैं शाजापुर की जनता के बीच। और जनता के मन की बात सुनकर अब हम जनप्रतिनिधियों का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए तैयार है। लेकिन हमारी इस विशेष चर्चा को शुरू करने से पहले यहाँ मौजूद सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगी कि आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मेरे साथ लोकतंत्र को मजबूत करने की शपथ को दोहराएं। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में जाति धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर उचित और सही उम्मीदवार को चुनेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया। आप लोग पुनः अपना अपना स्थान ले सकते हैं। अगर हम शाजापुर के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो शाजापुर को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। दरअसल 25 सालों से यहाँ पर कांग्रेस का राज चल रहा है। कांग्रेस ने विधायक की कुर्सी पर कब्जा कर रखा है। वहीं अगर हम विधानसभा की सीटों की बात करें तो शाजापुर में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें से 2 पर कांग्रेस का कब्जा है तो वहीं एक पर बीजेपी का। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि इस बार शाजापुर में चुनावी हवा किस ओर अपना मोड़ लेती है। हालांकि हम जन कारवा के माध्यम से इस बार वापस जनता के बीच आ चुके हैं जनता के मन की बात सुनने के लिए। जन प्रतिनिधियों ने जो उन्हें सपने दिखाए थे उस पर वे कितना खरा उतरे हैं ये बात जानने के लिए, और जनता क्या सवाल लेकर आई है, क्या उन लोगों की अपेक्षाएं थी वो पूरी हुई है या नहीं, इन तमाम मुद्दों पर आज हम यहाँ जन कारवा में जनता से चर्चा करेंगे। चूंकि हमारा कार्यक्रम का नाम ही जन कारवा है, ये कार्यक्रम जनता के लिए आयोजित किया जाता है, तो हम इसका जो शुरुआत है वो भी जनता से करेंगे। और जनता से ही सबसे पहला क्वेश्चन करके उनसे जानेंगे कि क्या यहां पर जो विकास कार्य आप लोगों ने जिस दिशा में होते हुए देखे थे, क्या उस दिशा में विकास कार्य सही रूप से हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। क्या नहीं हुआ है? शाजापुर में रेलवे की पूरी स्टॉपेज की सुविधा नहीं है। शाजापुर में बहुत पहले गैस पाइपलाइन स्वीकृत हुई थी, लेकिन उसका पता ही निकला हुआ है, वो गई। बिल्कुल। और क्या सुविधाएं आप लोगों को देने का कहा गया था, क्या नहीं मिला है आप बताएंगे सर? क्या सुविधाएं आप लोगों को मिलनी थी जो नहीं मिली है, या क्या यहाँ का विकास कार्य उस दिशा में हुआ है जो दिखाई गई? ये जिला पहले बहुत बड़ा था, अब छोटा हो गया है, तो विकास बहुत कम हो रहा है। विकास होना चाहिए, बहुत कुछ विकास की आवश्यकता है शाजापुर जिले की। क्या मुद्दे लेकर आए हैं आप, अगर आपकी शिकायतें हैं तो किन मुद्दों पर? कुछ ट्रेनें जो रुक नहीं रही है उनको भी यहाँ पर रुकना चाहिए, ताकि जो भी हम सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए सुविधा उपलब्ध हो सके। बिल्कुल। और भी लोगों से जानेंगे सर, आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे आप लोग लेकर आए हैं, क्या सुविधाएं यहाँ पर आपको उचित ढंग से मिल रही है? जिला बहुत पुराना है, परंतु जिस गति से विकास होना चाहिए वो दिखाई नहीं देता। आज आवश्यकता जिस बात की है अब उसको हम 15 साल बाद उपलब्ध कराएंगे, तो जैसा न्याय बहुत लंबे समय बाद अगर होता है तो वो न्याय नहीं कहलाता, अन्याय कहलाता है, उसी प्रकार से ये जो जिस मंद गति से ये विकास कार्यक्रम चल रहे हैं ये ऐसा लगता नहीं है कि विकास है। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विकास कार्य उसी रूप से हो रहे हैं, उसी दिशा में हो रहे हैं जो आपको दिखाई गई थी, क्या जो जनप्रतिनिधियों ने सपने दिखाए थे वे पूरे हुए हैं? निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में समाज के हर तबके में कार्य हुआ है, चाहे वो समाज के अंतिम छोर का व्यक्ति हो या आधुनिक की दृष्टि से कहूँगा तो आज शाजापुर क्षेत्र
मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काफी विकास कार्य हुए हैं। बिल्कुल, और भी लोगों से जानेंगे उनका क्या कहना है। सर, जिस दिशा में विकास कार्य होना था क्या उस दिशा में विकास कार्य हुआ है? शाजापुर जिस तरह से ग्रो होना चाहिए था क्या वो हुआ है? जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि यहाँ पर बहुत विकास हुआ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, यहाँ पर सत्ता ने विकास किया तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हुआ है, आम जनता का या शहर का कोई विकास नहीं हुआ है। हम देख सकते हैं कि आज से 10 साल पहले जो भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता था आज करोड़पति बना, तो वो कहाँ से बना, उसका व्यवसाय क्या है, यह शहर का एक प्रमुख मुद्दा है। आपसे जानना चाहेंगे सर, किस दिशा में विकास कार्य हुआ है? शाजापुर में सबसे बड़ी कमी है रोजगार की, जो आज तक नेता शाजापुर में रोजगार नहीं दिला पाए, जिसकी वजह से आज बैंक ऑफ इंडिया की मेन शाखा सुजानपुर पहुंच गई है शाजापुर की बजाय। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर विकास। बिल्कुल, कई सवाल यहाँ पर उठे हैं रोजगार को लेकर, रेलवे को लेकर, इसका जवाब हम सीधे यहाँ की सरकार जो है फिलहाल मध्य प्रदेश में उनसे भी लेंगे, साथ ही यहाँ के जो विधायक हैं हम उनसे भी लेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आप विधायक प्रतिनिधि, आपका इस मामले में क्या कहना है, किस दशा जो है वो शाजापुर की किस दिशा में जा रही है? जहाँ तक शाजापुर के विकास की बात है, विकास की एक इबारत माननीय हुकुम सिंह जी कराड़ा द्वारा लिखी गई है, पिछले 15 महीने के अल्प कार्यकाल में भी यहाँ पर 2256 करोड़ रुपए की माँ नर्मदा की परियोजना शाजापुर लाए हैं, और एक मध्य प्रदेश में शाजापुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर इस परियोजना को लागू किया गया है। जहाँ तक शाजापुर विधानसभा की बात है, मक्सी में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था माननीय कराड़ा जी द्वारा कर दी गई है। इसी के साथ अगर दुपाड़ा की बात करें, देश आज़ाद हुआ उसके बाद से वहाँ पर पानी की काफ़ी समस्या थी, तो एक 5 करोड़ की लागत से वहाँ पर एक पाइपलाइन का पूरा संपूर्ण कार्य हो गया है। इसी प्रकार बड़ौदिया हमारी एक बड़ी पंचायत है। मामला उठा है रेलवे यहाँ पर जो चलनी चाहिए थी, जिस ढंग से वो नहीं चल रही है, कोरोना के समय पर कई डजन यहाँ पर बंद हो चुकी है रेलवे, वो आज तक शुरू नहीं हुई है, कारण? हमारा दुर्भाग्य है कि शाजापुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा किया गया, लेकिन इसके पूर्व में जब सज्जन सिंह जी वर्मा थे, जब शाजापुर में मैक्सिमम ट्रेन रुका करती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया उसके बाद से शाजापुर में जो ट्रेन रुकती थी उसका भी स्टॉपेज बंद कर दिया गया। हम भारतीय जनता पार्टी से इसका जवाब लेना चाहेंगे, सर क्या कारण है यहाँ पर जिस तरह से कार्य होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, कोरोना के समय पर जो रेलवे बंद हुई है वो आज तक शुरू नहीं है, इसका कारण? एक्चुअल में देखा जाए तो वास्तव में ट्रेन का जो है वो सब रुक रही है, और जो नहीं रुक रही है उसके लिए भी अभी आवेदन किया है, वो रुकना चालू हो गया। और दूसरा एक प्रश्न और क्या किया आपने, एक प्रश्न बेरोजगारी का, उस पर हम आएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर सरकार की जो द्वारा यहाँ पर रेलवे चलानी चाहिए वो नहीं चलाई जा रही है सही रूप से, इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप, क्यों यहाँ पर जो रेलवे रुकनी चाहिए वो नहीं रुकनी? नहीं, ट्रेनें रुक रही हैं और कुछ ट्रेनों का जो स्टॉपेज होना है, हमारे सांसद जी ने जो है केंद्रीय मंत्री जी से मांग करी, और बहुत जल्दी जो ट्रेनें नहीं रुक रही हैं वो रुकने वाली हैं। आम जनता से पूछेंगे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि रेलवे जो रुक रही, जो जिसकी शिकायत ये लोग लगा रहे हैं, आम जनता ने यहाँ पर मुद्दा उठाया कि यहाँ पर ट्रेनें नहीं रुक रही है, आगे से हमें जवाब मिला है कि ट्रेनें रुक रही है, आप इस मामले में क्या कहें? मैं तो इस पर यही कहूँगा कि ट्रेनें इसलिए रोकी जा रही है ताकि कुछ जो बस संचालक है उनका फ़ायदा हो सके। अब बस संचालक कौन है वो देख लीजिए आप शाजापुर शहर में। और दूसरी रही बात कि यहाँ पर जो सड़क है, सड़क में भी खुदी पड़ी है, अभी आप देखोगे बारिश का सीज़न है, स्कूलों में आधे में 30% जो स्कूल है उनमें पानी भरा हुआ है, कैसे शिक्षा दोगे यहाँ पर? स्वास्थ्य और बात करेंगे हम इस मुद्दे पे, क्या यहाँ पर रेलवे सही रूप से रुक रही है, क्या रेलवे की सुविधा उचित रूप से आप लोगों को मिल रही है? रेलवे की यहाँ पर मिनिमम कुछ ट्रेनें यहाँ बड़े बड़े शहरों में, जहाँ से दिल्ली भोपाल ऐसे शहरों में जाने के लिए ही रुकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जंक्शन नहीं है तो हमें यहाँ से 20 किलोमीटर दूर बेरछा जाना पड़ता है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे सर, क्या आपको उचित रूप से सुविधा मिल रही है? नहीं मैडम, अभी नहीं मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। आप क्या कहेंगे सर? नहीं मिल पा रही। सर कई सारे लोगों ने कहा है नहीं मिल पा रही, उसके बावजूद भाजपा ने यहाँ पर कहा है कि सही रूप से सारी सुविधाएं मिल रही है, आप क्या कहेंगे रेलवे की सुविधा? पहले तो मैं IBC 24 चैनल परिवार का शाजापुर जिले की ओर से, सब संगठनों की ओर से, राजनीतिक दलों की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूँ। मैडम जितनी ट्रेन यहाँ पे चल रही है सभी रुक रही है, कोरोना काल में जरूर कुछ ट्रेनें बंद। अभी आपने देखा पीछे से जवाब आया है कि ट्रेनें नहीं रुक रही, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ट्रेनें रुक रही है। सभी ट्रेनें जो पहले रुकती थी वो रुक रही है, कांग्रेस केवल चिल्ला चोट करती है। आम जनता भी सवाल उठा रही है कि ट्रेनें नहीं रुक रही है। ट्रेनें जो रुक रही थी वो रुक रही है, केवल साबरमती का
एक दो ट्रेनों का स्टॉपेज है, दो का नहीं हुआ है, वो भी सांसद जी प्रयासरत है रोकने के लिए, लेकिन 70 साल में कांग्रेस की सरकार में कोई ट्रेन इस रूट पर नहीं चली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही कई ट्रेनें, चाहे चंडीगढ़ एक्सप्रेस हो, अमृतसर एक्सप्रेस हो, साबरमती एक्सप्रेस, तीन स्थानों के लिए हो, सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चली है 70 साल में कांग्रेस की। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगी सर, पीछे से जनता कह रही है कि नहीं रुक रही है और यहाँ पर सर कह रहे हैं कि ट्रेन रुक रही है, आप क्या? मेरा निवेदन ये है कि साबरमती एक्सप्रेस जो है पिछले समय पर, कांग्रेस के समय पर सातों दिन रुकती थी। सांसद हमारे महोदय जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो उनकी सुनवाई उनके संसद में ही नहीं है, वो घोषणा करने के लिए पहले घोषणा कर देते हैं, बाद में रुकती नहीं है। वही साबरमती जो 7 दिन चलती थी वो 3 दिन चलती है। लोगों को इतना भ्रम है कि कब चलेगी कब नहीं चलेगी, यही नहीं मालूम पड़ता। जब सारणी देखने जाते हैं तो पता लगता है आज वो टर्न है ही नहीं, आज रुकेगी नहीं। बहुत सारी ऐसी इंटरसिटी जो जाती थी, जो मक्सी से चलती है, कोई पचौर से चलती है, शाजापुर जिला है, जिला होने के बाद भी जो है पचौर से ट्रेन रुकती है, सारंगपुर ट्रेन रुकती है, लेकिन हमारी मक्सी रुकती है लेकिन शाजापुर नहीं रुकती, जिला का इतना। बिल्कुल, और भी कई मुद्दे हैं रेलवे के साथ साथ, जिनमें से एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर बेरोजगारी का। हम जनता से ही सबसे पहले जानेंगे कि क्या बेरोजगारी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है, क्या यहाँ पर लोगों को रोजगार जो है वो उचित रूप से मिल रहे हैं? नहीं, रोजगार नहीं मिल रहे हैं। 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन है, यहाँ पर जो रोजगार था, यहाँ पे एक उद्योग था सिद्धार्थ ट्यूब, वो बंद हो गया। एक भी रोजगार नहीं, यहाँ के सारे युवा बेरोजगार हैं। जो रोजगार थे वो सब इस सरकार में बंद हो गए, एक भी रोजगार भाजपा सरकार ने शाजापुर में चालू नहीं किया। आज यहाँ पर युवा बहुत परेशान है। और भी लोगों से जानेंगे इस मामले में उनका क्या कहना है, क्या यहाँ पर उचित रूप से लोगों को रोजगार मिल रहे हैं? रोजगार के साधनों में केंद्र सरकार का इतना योगदान है, आज स्किल इंडिया के नाम से भारत में मोदी जी ने स्किल इंडिया के नाम से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, यहाँ से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? ये पूरा निराधार आरोप है। इस शाजापुर के विकास में कांग्रेस का सबसे बड़ा जो अवरुद्ध है वो प्रकाश चंद सेठी है, जिसने और लोगों से पूछेंगे सर क्या यहाँ पर रोजगार लोगों को उचित रूप से मिल पा रहे हैं? मैं सबसे पहले तो IBC 7 का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। देश की आज़ादी के बाद से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के सांसद और विधायक रहे हैं इस शाजापुर के अंदर और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। शाजापुर में हर दूसरा व्यक्ति बेरोजगार है, यहाँ ना कोई कारखाने हैं, ना कोई उद्योग है, ना कोई रोजगार के कोई साधन। दो बड़े उद्योग थे वो भी बंद हो चुके हैं, हम युवाओं से ही जानेंगे क्या यहाँ के लोगों को सही रूप से रोजगार मिल रहा है। देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात करें तो शाजापुर का युवा जो है रोजगार पूरे देश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर देने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के स्टार्टअप योजना के माध्यम से टी लॉजी करके, चाय चस्का करके और चाय सुट्टा बार के नाम से पूरे देश भर में रोजगार देने का काम आज शाजापुर का युवा कर। देश भर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम शाजापुर की बात कर रहे हैं। अगर शाजापुर में रोजगार है तो लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, पलायन कहीं पे नहीं है, शाजापुर के अंदर रोजगार की ऐसी कोई कमी नहीं है। जबकि कमलनाथ जी ने जो योजना लागू की थी, प्रत्येक युवा को बेरोजगारी भत्ता देने का जो झूठा वादा किया था, उससे युवा त्रस्त है। बिल्कुल, हम और युवाओं से जानेंगे क्या यहाँ के लोगों को, क्या आप लोगों को यहाँ पर उचित रूप से रोजगार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्या आप लोगों ने इसके कारण कोई कदम उठाया है? क्या आप लोगों ने मांग की है रोजगार? मांग की है। बिल्कुल, आप बताइए क्या यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है? मिल ही नहीं रहा मैडम। आप बताइए सर क्या यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल रहा है? करणी सेना परिवार के नेतृत्व में कई बार रोजगार को लेकर सरकारों को घेरने का काम किया, जो निरंतर जारी है। परंतु भारतीय जनता पार्टी सरकार, जिस पार्टी को हम लोगों ने जिंदा किया, बड़ा किया, एक वृक्ष की भांति किया, और आज ये सरकार विश्वासघाती सरकार है, और इसने जिस तरीके से युवाओं की दिशा और दशा करी है, आने वाले समय में हम भी कमर कस चुके हैं। हमारी 22 सूत्री मांगों को स्वीकार किया गया था, लिखित में मांग को माना गया। रोजगार है या नहीं, सिर्फ हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, और भी लोगों से हम जानेंगे कि रोजगार के बारे में उन लोगों को क्या कहना है। मैम, आप लोगों से भी जानेंगे कि क्या यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्या यहाँ की महिलाओं को रोजगार मिल रहा है? नहीं, शाजापुर विधानसभा में महिलाओं को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। ये तो हम धन्यवाद करेंगे शिवराज सिंह चौहान जी की योजना के करे हुए कार्यों के, उनके द्वारा जो लाली बहना लाली लक्ष्मी और ये हैं, उनके लिए मैं माननीय शिवराज जी का धन्यवाद करूंगी। शाजापुर में स्व सहायता समूह से इससे बहुत सारे रोजगार के आयाम हैं, लेकिन यहाँ पर पहुँच नहीं पाते महिलाओं को। बिल्कुल, और लोगों से हम जानेंगे उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे आप
रोजगार के मामले में? जी मैडम, यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री है रोजगार मेले लगाते हैं कलेक्टर महोदय के सहायता से, लेकिन रोजगार मेले में निःशुल्क रोजगार देने की बात करते हैं, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन निःशुल्क करते हैं, लेकिन कंपनियां उनको बुलाती है, रजिस्ट्रेशन कराती है, पैसे भी लेती है और रोजगार नहीं देती। जवाब हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से लेना चाहेंगे, क्यों यहाँ पर जो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए वो रोजगार नहीं मिल रहा है, इसके कारण बड़ी संख्या में लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, क्या आप इससे अपनी सहमति नहीं रखेंगे? सर्वप्रथम तो मैं यह बोलूंगा कि शाजापुर का दुर्भाग्य है कि बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के विधायक होने के बावजूद भी यहाँ पर जनता की आवाज नहीं उठाते हैं और जनता के मुद्दे नहीं उठाते। अगर मैं बात रोजगार की करूं तो जो मेरे कांग्रेसी मित्र है उनकी नज़र में केवल नौकरी करना ही रोजगार होता है, जबकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने देश को युवाओं को खुद स्वरोजगार स्थापित कर सके इसके लिए बहुत आगे लाने का। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्यों यहाँ के लोगों को रोजगार सही रूप से नहीं मिल रहा है, क्यों यहाँ के लोग परेशान हैं? यहाँ पर अभी वर्तमान में भी वर्तमान सरकार ने भदोनी वल्डी है वहाँ पर रोजगार के लिए उद्योग के लिए जमीन आवंटित की है, आने वाले समय में प्रत्येक युवाओं को रोजगार भदोनी की वल्डी पर रोजगार उपलब्ध करा कर दिया जाएगा। अभी तो नहीं मिल रहा है ना सर, अभी रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, आप इस मामले में क्या करते हैं? इसके पूर्व 60 साल तक कांग्रेस ने हिंदुस्तान पे राज किया, कितना रोजगार दिया इन्होंने, सिर्फ कांग्रेसी नेताओं को उनके पेट भरने उनकी दुकानदारी चलाने का ही रोजगार दिया है। हमारे शासन में भारतीय जनता पार्टी के शासन में रोजगार के अत्यंत कार हो रहे हैं, जबकि शाजापुर विधायक 20 साल से शाजापुर की नेतागिरी कर रहे हैं, क्या शाजापुर के विकास में क्या कार्य किया उन्होंने? हम इसका जवाब जो है कांग्रेस से लेना चाहेंगे सर। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेसियों ने सिर्फ कांग्रेसियों को ही रोजगार दिया है, उसके अलावा कोई काम नहीं किया है, आप इस मामले में क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने कभी भेदभाव नहीं किया है, ना जाति ना जात पात किसी भी बच्चे ना भाजपा से। विधायक जी के प्रतिनिधि मजबूत है कि उनको आने की आवश्यकता नहीं है। और भी लोगों से हम जानेंगे क्यों यहाँ के लोग जो है वो नाराज है कि उन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। ये आरोप सरासर गलत लगा रहे हैं, पार्टीगत भावनाओं से ध्यान में रखते हुए 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे विधायक जी के मांग करने के बाद भी यहाँ कोई रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराए, ये लोग दलगत भावना में काम करते हैं। आप क्या कहेंगे सर? मेरा कहना ये है कि अभी शाजापुर में नगर अभी अभी शाजापुर में आप बोलिए अभी शाजापुर में नगर पालिका है और अभी शाजापुर में नगर पालिका है, यहाँ के लोग अभी गंदा पानी पी रहे हैं, प्यासा मर रहे हैं, यहाँ नगर पालिका से वो और बीजेपी की जो सरकार है वो झूठा वादा करती है, झूठी सरकार है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो कई लोग यहाँ पर जो है सवाल उठा रहे हैं, और भी लोगों से जानना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आग्रह करूंगी कि आप लोग यहाँ पर नारे ना लगाएं, हम लोग डिबेट करने आए हैं, नारेबाजी की कॉम्पिटिशन नहीं, प्लीज रुक जाइए। आप क्या कहेंगे? जी अभी हमारे यहाँ बहुत सारे साथी जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत हैं, वो बहुत जोर से यहाँ पर भारत माता की जय और जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उस भारत माता की रक्षा करने वाले एक शहीद का शव अभी 4 दिन पहले जिला चिकित्सालय में आया था, तो ये उसे सम्मान देने के लिए वहाँ उसे देखने तक नहीं आए। इनके जिला पदाधिकारी या जिला प्रशासन का कोई अधिकारी उस सैनिक के सम्मान के लिए वहाँ पर 1 मिनट आना तक इन्होंने उचित नहीं समझा। हम आगे से इसका जवाब लेंगे, हम भाजपा के कार्यकर्ताओं से इसका जवाब लेंगे कि क्या कारण है कि जब यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं तो उसके बावजूद शहीदों को उनकी जो रिस्पेक्ट है वो नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के उपाध्यक्ष पंडित संतोष जोशी से उस सेना के जो सब हुआ उनके पूरा सहयोग करके उनकी व्यवस्था करके उनके स्थान पर पहुंचाया। फिर यहाँ पर सवाल क्यों उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें देखने तक नहीं आई? भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है, क्यों कोई किधर चाहे दुपड़ा रोड देख ले। आज शाजापुर नगर की बात करें तो हमने 8 4 टंकियां बनी उनका निर्माण कार्य किया। शाजापुर में अभी तक जो विधायक जी थे उसके बाद 2013 से 18 अरुण भीमावत जी विधायक रहे हैं। यहाँ पर जो सौगात मिली है उसमें शिक्षा की बात करें तो पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पर आया है,
कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर आया है सेंट्रल। सर उसके बावजूद यहाँ पर आज तक मेडिकल कॉलेज या एग्रीकल्चर कॉलेज क्यों नहीं है ना? सेंट्रल स्कूल यहाँ पर उनके कार्यकाल में बना है। स्वास्थ्य की बात करें, ट्रॉमा सेंटर उनके कार्यकाल में यहाँ पर आया है। सर आप ट्रॉमा सेंटर की बात कर रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर होने के बावजूद वहाँ इलाज नहीं हो रहा है, सिर्फ रेफर सेंटर, सारी सुविधा है। ये तो फालतू अफवाह उड़ा रहे हैं आप। मेरा साथ चलो, आपको सारी सुविधा बताऊंगा। क्या आम जनता से जानेंगे कि क्या उन लोगों को ट्रॉमा सेंटर में उचित सुविधाएं मिल रही है? क्या ट्रॉमा सेंटर में आपको उचित सुविधा मिल रही है? क्या वहाँ डॉक्टर सही रूप से उपलब्ध है? पहले तो आप प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? क्या ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर्स अवेलेबल हैं? ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर अवेलेबल है, लेकिन डॉक्टर समय से अपनी ड्यूटी नहीं देते हैं। कौन से अवेलेबल है? सब अपनी अपनी दुकान खोल करके बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जो डबल इंजन की सरकार बताते हैं ये लोग, तो नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे रोजगार की बात हो रही है, तो अगर हम 5,000 रुपए महीने के लिए अगर सुबह एक आवेदन निकालें, तो यहाँ 25,000 लोग रोड पे खड़े हो जाएंगे। इतने बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। और आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे, क्या यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है? स्वास्थ्य पे मैडम कितनी शर्म की बात है कि जो एक्सरे के फोटो खींचे जाते हैं वो कागज पे दिए जाते हैं, कागज पे, एक्सरे की रील पे नहीं दिए जाते। लिफ्ट तक खराब हो जाती है, मरीज मर जाते हैं लिफ्ट में। और वो जो महिलाओं की जांच होती है, उसकी मशीन के लिए लंबी लंबी लाइन लगती है, डॉक्टर प्राइवेट जगह पर पहुंचा देते हैं। बिल्कुल, और भी लोगों से हम जानेंगे उनका क्या कहना है इस मामले में, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैडम जिस प्रकार से अस्पताल की बात है, आए दिन छोटे से नॉर्मल प्रकरण में भी पेशेंट को उज्जैन और इंदौर भेजा जाता है। और भी लोगों से जानेंगे उनका क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर ड्रामा सेंटर खोला है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ धरना क्यों दे रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि भारतीय सरकार के लोग धरना क्यों दे रहे हैं उस ड्रामा सेंटर में? बिल्कुल, ड्रामा सेंटर आपने खोला है, तो फिर वहाँ पर धरना आप लोग क्यों दे रहे हैं? क्या ऐसी मुसीबत आप आन पड़ी है कि आप लोगों को वहाँ पे ड्रामा सेंटर पे धरना? मैडम कांग्रेस के सब लोग झूठ बोल रहे हैं। 70 साल में यहाँ विधायक, 25 साल से जिला चिकित्सालय में जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे ट्रामा सेंटर खोला हो, ट्रामा सेंटर में सीटी स्कैन मशीन, डायलिसिस की मशीन, सोनोग्राफी की उचित व्यवस्था, अच्छा भवन, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। सिर्फ एक सवाल है, अगर ये सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध है, तो फिर रेफर सेंटर क्यों है? रेफर सेंटर नहीं है मैडम, रेफर करते ही नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग। रेफर सेंटर कांग्रेस की सरकार में हुआ करता था, अब तो ऑपरेशन भी होते हैं, सब मरीजों को उचित सुविधाएं मिलती है, एम्बुलेंस की सुविधाएं हैं, सब। आम जनता से ही जानेंगे क्या आप लोगों को उचित सुविधाएं मिल रही है हॉस्पिटल की, क्या यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में सही डॉक्टर्स उपलब्ध है? यहाँ पे अभी हमारे नौकल के एक से एक युवा डॉक्टर आए हैं और अच्छे से इलाज भी कर रहे हैं और सबको संभाल भी रहे, ऐसा कोई नहीं। आप लोगों से भी जानेंगे क्या यहाँ पर, दादा आप बताइए, काफी समय से आप देख रहे हैं शाजापुर को, क्या यहाँ पर डॉक्टर सही रूप से उपलब्ध है, क्या यहाँ पर सुविधाएं सही है? ये तो क्या है कि सभी रहते हैं, टाइम से भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मत सब आरोप निराकार है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इस मामले में, आप अपनी सहमति रखते हैं? नहीं, सहमति रखते हैं, निराधार। और भी इसके साथ कई मुद्दे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से हमने शाजापुर का इंट्रोडक्शन सुना था, यहाँ पर संतरे और प्याज की सबसे ज्यादा खेती होती है, उसके बावजूद यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आज तक नहीं बनाई गई है, इसका कारण भी जानेंगे। और साथ ही हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि क्या उन लोगों को यहाँ पर उचित रूप से सुविधाएं मिलती है, क्या आप लोगों को यहाँ पर अगर हम देखें तो संतरे और प्याज की जो खेती यहाँ पर होती है, क्या आप लोगों को उसको मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बेस पे काम करती है, कांग्रेस हमेशा झूठ बोलने का काम करती है। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या यहाँ पर किसानों को सही रूप से सुविधाएं मिल रही है? काहे की सही रूप से किसानों को यहाँ दाम मिल रहे हैं? आमदनी दुगनी हो गई है अटल जी की और या मोदी की सरकार में। और गाँव में पहले कच्चे मकान थे, टापरियों थी, जो आज पक्के मकान हो गए। ये शाजापुर नगर में भी कच्चे मकान थे, टापरी कवेलू, जो आज पूरी सभी बिल्डिंग बन गई है मोदी। और लोगों से हम जानेंगे कि क्या उन लोगों का कहना है इस मुद्दे पर, आप लोग यहाँ से हाथ उठा रहे थे, किसानों की बात यहाँ पर आई है, आपसे जानेंगे। किसानों के प्याज के भाव
घूड़े पे फेंकने लायक है, जो लागत है वही नहीं निकल रही है और पानी की मार हो चुकी है। सरकारों को प्रयास करने चाहिए कि उनको अच्छे भाव मिले। बिल्कुल, और लोगों से हम जानेंगे उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है, क्या किसानों को सही रूप से सुविधाएं मिल रही है? किसानों को 1% भी सुविधा नहीं मिल रही है। जो 300 रुपए की कांग्रेस सरकार में खाद की बोरी थी, आज वो 1200 रुपए में बिक रही है। यहाँ तक कि किसानों की हालत इतनी है कि प्याज रोड पे फेंके जा रहे हैं, किसान रोड घूम रहे हैं बेचारे। और कम से कम 6 महीने तो केंद्र के सामने किसानों ने धरना आंदोलन किया था, जब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार थी, तब क्यों तुरंत उनकी मांग नहीं मानी गई? बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, क्या आप लोग अपनी सहमति रखते हैं? नहीं, कोई सहमति नहीं। अभी संतरे की तो यह हालत है कि संतरे को घोड़े पे फेंकने पड़ते हैं। किसानों को आज यूरिया डीएपी की थैली 1500-2000 रुपए, सोयाबीन का भाव देख लीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 8000 रुपए क्विंटल किसानों को मिलता था, लेकिन आज यह हालत हो गई है कि आप बीज लेने जाता है तो 15000 रुपए क्विंटल का सोयाबीन का भाव। और भी लोग इस मामले में कुछ कहना चाह रहे हैं, हम उनसे भी सुनेंगे, जानेंगे कि उनका इस मामले में क्या कहना है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बात किसानों की चल रही है मैडम, तो मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कि आज हिंदुस्तान का किसान के स्वाभिमान माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है, और कांग्रेस ने 2 लाख के बीमा माफी का चैलेंज करके किसानों के साथ छलावा किया। पूरे मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड उठा के देख लो आप, किसानों के साथ जितनी ज्यादा कांग्रेस शासन काल में हुई है मैडम, किसी भी शासन काल में नहीं। किसानों ने सवाल उठाया है कांग्रेस के खिलाफ, उनका कहना है कि किसानों के साथ कांग्रेस ने ज्यादती की है, उन लोगों को जो बीमा राशि मिलनी चाहिए थी वो आज तक भी नहीं मिली। ये कांग्रेस के सरकार में जो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी थे, तब उन्होंने जो है बीमा राशि स्वीकृत करके मोस्टली लोगों को दिलवा दी थी। जो लोग छूट गए हैं, आने वाले में हमारे साथ धोखा हुआ, कांग्रेस में धोखा हुआ, धोखे के बाद में अब मुख्यमंत्री कांग्रेस के रूप में कमलनाथ जी आएंगे, निश्चित रूप से बात। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्यों अभी तक किसानों को जो उनकी राशि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली? मैडम, आज इस मंच के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ज्ञान किस स्तर का है आपके न्यूज़ चैनल पर पता चलना चाहिए कि शाजापुर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ज्ञान। कृषि विज्ञान केंद्र केंद्र सरकार की योजना है, सज्जन सिंह वर्मा जी के समय शुरू हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि बता रहा है। मैं एक बात आपको कह देता हूं मैडम, एक बात, दो उपलब्धि है। हुकुम सिंह कराड़ा को यहां पे मंत्री बनाया गया तो लाइट के लिए शाजापुर आत्मनिर्भर हुआ, जब जल संसाधन मंत्री बनाया तो नर्मदा परियोजना आई, और जब भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व मिला, आप सुनिए, इंदर 58 साल में सबसे खराब रिजल्ट शिक्षा मंत्री के समय आया, अभी शिक्षा मंत्री जी के समय 58 साल का सबसे खराब रिजल्ट आया। 58 साल का सबसे खराब रिजल्ट जो है वो शिक्षा मंत्री के होने पर यहाँ पर आया है, इसका कारण आप लोग बता सकेंगे? क्या सही रूप से यहाँ पर शिक्षा उपलब्ध नहीं है? अभी सीएम राय स्कूल जो बन रहे हैं, एक नई शिक्षा नीति बनी है जिसके अंदर 4-5 हजार बच्चे जिनको सर्व सुविधा युक्त बिल्डिंग बनाकर, खेल मैदान बनाकर, बसों के माध्यम से उनको बच्चों को लाके और अच्छे प्रतिशिक्षक अच्छे शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा देने का काम होगा, और यहाँ शाजापुर जिले से उस स्कूल से पढ़कर कई विद्यार्थी IAS IPS और पढ़े। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? अभी हमारे कांग्रेस मित्र का ज्ञान पर मुझे तरस आ रहा है कि सज्जन सिंह वर्मा का इन्होंने नाम लिया, उन सज्जन सिंह वर्मा ने हेड राइटिंग में लिखकर कहा था कि यहाँ का सेंट्रल स्कूल बंद होना चाहिए, जिसको हमारे केंद्रीय मंत्री ने थावरचंद जी गहलोत ने नई बिल्डिंग देकर बनाया, और यह जिस नर्मदा परियोजना की बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2018 में इसका भूमि पूजन करा, जिसकी वाहवाही पता भी नहीं था कि यह योजना कब आ गई है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पर उठ रहे हैं, हमने देखा किस तरह से यहाँ पर, हमें बीजेपी के लोगों ने भी बताया कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो किस तरह से उनके द्वारा लाई जा रही है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि अभी हम भी पहले पिछले कार्यकाल में पार्षद दे चुकी हूँ, पार्षद थी तो मैंने बहुत सारे मुद्दे जो अपने क्षेत्र के थे, एक भी मुद्दा मेरा नहीं मतलब क्लियर करा इन लोगों ने। क्या मुद्दे थे आपके? मेरा मुद्दा था एक कचरा घर था, सार्वजनिक मंदिर के आसपास ही है, द्वारकाधीश के पीछे के हिस्से में, तो हमने फिर है ना हेल्पलाइन मुख्यमंत्री जी को कहा, जब आवेदन दिया, जब जाके हमारा काम हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ मतलब, और आज तक तो हम लोगों ने विधायक जी को देखा ही नहीं है। महिलाओं की और भी बात करना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर महिलाओं को उचित रूप से सही सुविधाएं मिल रही है, जो योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, महिलाओं की सेफ्टी की बात करें, अगर महिला सुरक्षा की, क्या यहाँ पर आप लोगों को सब चीजें सही रूप से मिल रही है? अभी ताज़ा किस्सा है, महिलाओं को अभी लाडली बहना बनाकर 1-1 हजार रुपये तुरंत जमा करे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जितना महिलाओं के बारे में सोचते हैं वो युवाओं के बारे में उतना ही सोचते हैं, वो सभी के बारे वो समान
वो जाति पाति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास। से हम बात करना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर लाडली बहना की बात की जा रही है और भी कई सारी जो यहाँ पर महिलाओं द्वारा चलाई जा रही योजना है उसकी भी बात की जा रही है, आप क्या कहेंगे? महिला 3 करोड़ महिलाएं हैं जिसमें से लाडली बहनों को कितने महिलाओं को दिया जा रहा है? 1 करोड़ महिलाओं को। आप बाकी सुविधाएं यहाँ पर आपको कैसी मिल रही है महिलाओं की जी? महिलाओं को लेकर सुविधा सही है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, किसी महिलाओं को सुविधा नहीं है, बहुत पीड़ित है, परेशान है, बहुत बेहाल है महिलाओं का। और अभी देख रहे हो कि कुछ चीज़ सस्ती कर देते हैं तो टमाटर महंगे कर देते हैं। अगर बिल्कुल, और भी इसका जवाब जो है वो हम लेंगे, महिलाओं का जो मुद्दा उठा है वो लेंगे। क्या यहाँ पर सही रूप से उन लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है? महिलाओं की सेफ्टी की बात करें तो वो भी उन्हें नहीं मिल रही है, आपका क्या कहना है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश एवं प्रदेश में आई है तब से महिलाओं की सुरक्षा पूर्व की सरकार की अपेक्षा बढ़ी है। और आज नारी शक्ति की स्कूटी पे हुई, बाइक पे हुई, अन्य वाहन से हुई, सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंचती है, अपने कार्यस्थल पे पहुंचती है, अपने समस्त क्षेत्र में पहुंचती है। वो नारियों का सम्मान पूरे देश में बढ़ा है। जब नगर पालिका अध्यक्ष प्रेम जी भी हमारे साथ है, सर आपसे जानना चाहेंगे क्या महिलाओं को यहाँ पर उचित रूप से सुविधाएं मिल रही है? महिलाओं को अभी ताजा ताजा हमारे प्रदेश के मुखिया ने लाडली बहना योजना से यहाँ इस हाल में बैठे हुए 70% लोगों को 1,000 रुपये महीना दिया है और आने वाले समय में 3,000 रुपये महीना दिया है। मैं इनको मुख्यमंत्री बनाता हूँ या क्या 10,000 रुपये महीना दे सकते हैं मुझे? ये देखो, हम उनसे भी ये बात का जो है जवाब लेंगे। क्या कहना है आपका, क्या कहेंगे कौन सा मुद्दा है आप? लाडली बहन का मुद्दा चल रहा है। लाडली बहन के मुद्दे पर मेरा ये कहना है, जो कमलनाथ जी का मुद्दा है, हम 1500 रुपए भी दे रहे हैं और गैस की टंकी 500 रुपए में दे रहे हैं। कमलनाथ जी ने जो मुद्दा तय करा है 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली माफ, ये कमलनाथ जी का मुद्दा है। और पहली चीज, दूसरी चीज सुन लीजिए मैडम, शाहजहांपुर का विधायक 30 साल से इसलिए जीत रहा है कि शाहजहांपुर के विधायक के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक 1 रुपए का आरोप नहीं लगा पाए। और भी लोगों से हम जानेंगे, पीछे से भी कुछ लोगों ने हाथ उठाया था, हम जो आम आदमी पार्टी ने हाथ उठाया था, सर क्या कहना चाह रहे हैं आप इस मुद्दे पर? देखिए, जब से इस क्षेत्र के 30 से 35 साल के युवा ने आंखें खोली है तब से इस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस की सरकार और प्रदेश में भाजपा की सरकार रही हुई है। इन दोनों ने विकास की ज्योति का नारा दिया हुआ है और इन लोगों का विकास मैं बताता हूँ। इस क्षेत्र से, शाहजहांपुर से नोट प्रेस बैंक चली गई, रेल चली गई, बैंक चला गया, कोई उद्योगपति इस क्षेत्र के अंदर उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं है। उद्योगपति यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्या आप इससे अपनी सहमति रखते हैं? अगर यहाँ पर उद्योग सही रूप से आए होते तो यहाँ पर पलायन की स्थिति नहीं बनती। मैडम, उद्योग, यह आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर यहाँ पे 20 साल से भाजपा की सरकार है, अगर भाजपा इसको अच्छी तरीके से काम करती, उद्योग आते तो यहाँ के रोज युवा लोग बाहर नहीं जानते। लेकिन हमारे माननीय विधायक हुकुम सिंह जी कराड़ा साहब ने जो भागीरथी प्रयास करा, नर्मदा का पानी यहाँ लाए, 3 लाख बीघा उद्योग लगाना तो व्यापारियों का काम है, पर जो भाजपा की सरकार कर सकती थी, मेडिकल कॉलेज यहाँ दे सकती थी, वो भी दिया। क्या यहाँ अगर कुछ दिया है, पेयजल की व्यवस्था अगर 60 के जमाने में दी है तो कांग्रेस ने दी है। बीजेपी के द्वारा यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की सुविधा दी जा सकती थी, लेकिन आप लोग हाथ उठा रहे थे, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या यहाँ पर सुविधाएं दी जा सकती थी लेकिन सुविधाएं नहीं दी गई? उन्होंने बताया है कि उनके विधायक नर्मदा पाइपलाइन लाए, यह गलत है, ये केंद्र की योजना है। कांग्रेस का काम सिर्फ झूठ बोलना, झूठ बोलना बस। आपसे जानना चाहेंगे सर, जो सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए थी वो आज तक सही रूप से क्यों नहीं मिली है फिर मेडिकल कॉलेज? देखिए, कांग्रेस 70 साल से झूठ बोल रही है और शाहजहांपुर का जो विधायक है 25 साल से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे यहाँ क्षेत्र में घूमते ही नहीं है, फैक्ट्री में ही बैठते हैं, ना कांग्रेसियों की चिंता पालते हैं ना क्षेत्र की जनता की चिंता। और भी लोग हमसे पीछे से भी कहना चाह रहे हैं, आप क्या कहेंगे, आपसे सुनना चाहेंगे? शाहजहांपुर में फैक्ट्रियों पे उद्योग चलता होना चाहिए और यहाँ फैक्ट्री पे कार्यालय चलते हैं। बिल्कुल, क्या आप लोग इससे अपनी सहमति नहीं रखते? फैक्ट्रियों पे उद्योग चलना चाहिए, फैक्ट्रियों पे कार्यालय चल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे तो सबसे बड़ा उद्योग कांग्रेस सरकार ने ट्रांसफर का उद्योग लगाया था। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में ट्रांसफर का उद्योग जोरों पे चला है, सभी कांग्रेस के नेताओं की बराबर। एक सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर
आप किससे कहा यह स्टेडियम है और स्टेडियम व्यवस्थित है, अभी भी स्टेडियम है और स्टेडियम व्यवस्थित है। इसके बाद आपने जहाँ तक रोजगार की बात करी, जब कांग्रेस का शासन था माननीय दिग्विजय सिंह जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तो शाजापुर में सिद्धार्थ ट्यूब्स खुली, इनसे ये पूछा जाए कि सिद्धार्थ ट्यूब्स बंद क्यों हो गई? क्या आप इससे सहमति रखते हैं कि यहाँ पर स्टेडियम जो है वो सही रूप से संचालित हो रहा है? पहले बात तो कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, यह 25 साल तक कांग्रेस का विधायक रहे। यहाँ पर स्टेडियम जो है वो सही रूप से चल रहा है, बच्चों को छात्रों को सही रूप से सुविधा मिल रही है? बिल्कुल सुविधा मिल रही है और बेहतरीन तरीके से। और एक आखिरी सवाल है यहाँ पर कि क्या यहाँ पर जो चिलर नदी मिल रही है, चिलर नदी की जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, ये एक समय पर चिलर नदी यहाँ के लिए जीवन दायिनी थी, लेकिन यहाँ पर आज वो सिर्फ नाला बन के रह गई है। सर, चिलर नदी जो जीवन दायिनी थी वो नाला बनकर क्यों रह गई? चिलर नदी के स्वच्छता के लिए, चिलर नदी की सफाई के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने योजना बनाकर क्रमबद्ध काम किए हैं। 7.5 करोड़ देकर घाट का निर्माण भी किया है, चिलर की सफाई भी की है और आगे भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि चिलर नदी को हम पूर्ण रूप से स्वच्छ करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे आखिरी जवाब है, ये क्या कहेंगे? मैडम, मेरा निवेदन ये है कि यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष बैठे हैं, साजापुर के वार्ड वासी गंदा पानी पी रहा है, पानी पीने को मजबूर हो रहा है, उनको पानी नहीं मिल रहा है। और जवाब लेंगे हम, यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष जो है प्रेम जी वो मौजूद है। सर, आपसे जवाब लेंगे कि क्यों यहाँ के लोगों को उचित सुविधा पानी की, पेयजल की नहीं मिल रही है? ये जिन सज्जन ने जो आरोप लगाया है वो निराधार और गलत है। इनके घर पे एक सार्वजनिक नल लगा हुआ है, उसको उखाड़ने की तैयारी है, इसलिए स्टेटमेंट देते हैं। कई सारे मुद्दों पर आज हमने यहाँ चर्चा की। शाजापुर में हमारा जन कारवा जो था वो सजा था, हमने यहाँ देखा कि क्यों मुद्दे जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर आज भी है। शाजापुर जो है वो जिला होने के बावजूद एक गांव बनने के कगार पर आ खड़ा हुआ है। किस तरह से यहाँ का जो विकास कार्य है वो दोनों पार्टियों द्वारा किया जा रहा है, क्या जनता के सवाल थे, इन सारे मुद्दों पर आज हमने यहाँ की जनता से चर्चा की और उनके मन की बात जानी। इस तरह की हमारी जन कारवा जो है वो जारी रहेगा। कल आपसे मुलाकात होगी छत्तीसगढ़ के जन कारवा में, तब तक के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ।